एक ओर जहां यूपी की योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस इन दावों को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है। मेरा मुकदमा लिखा 376 का, 504 का, 506, 392 का सुनाई नहीं हो रही थी। 1.5 महीना हो गया मुकदमा लिखे हुए। मैं दरखास्त पे दरखास्त देती हूँ, कोई नहीं सुनता मेरे। ऐसा ही कुछ इटावा के एसएसपी कार्यालय के बाहर देखने को मिला है, जहां एक रेप पीड़िता इंसाफ की गुहार लगाने के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंची। पीड़िता एसएसपी कार्यालय के गेट पर काफी देर तक रोती रही, लेकिन वहां मौजूद किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। हम यहीं बैठे रहेंगे, क्यों नहीं सुनते? किस जगह बैठी है? कप्तान सर के ऑफिस में। हाँ सर, मैं कम से कम 15-20 दरखास्त दे चुकी, मेरी नहीं सुनवाई होती है। जो समय पीड़िता अपनी गुहार लेकर कार्यालय पहुंची थी, उस समय एसएसपी संतोष कुमार भी कार्यालय में मौजूद रहे और दूसरे फरियादों की समस्याएं सुन रहे थे। वहीं जब पीड़िता से उसकी परेशानी के बारे में पूछा गया, तो पीड़िता ने कहा कि उसके साथ रेप की घटना घटित हुई है। पीड़िता का मुकदमा कोर्ट के आदेशानुसार दर्ज भी करवा दिया गया है, लेकिन इटावा पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। मेरा मुकदमा लिखा 376 का, 504 का, 506, 392 का सुनाई नहीं हो रही थी। 1.5 महीना हो गया मुकदमा लिखे हुए। मैं दरखास्त पे दरखास्त देती हूँ, कोई नहीं सुनता मेरे। थाने जाती, फोन लगाती हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। क्या सुनवाई नहीं हो रही? क्या कार्रवाई चाहिए आपको? मेरा मुकदमा लिखा है 376 का, 504 का, 506 का, 392 का, और मेरे गिरफ्तारी नहीं हुई। मेरे 164 के और 161 के बयान हो गए कोर्ट में, बट कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। किस थाने का मामला है? एक दिन थाने का। तो आप यहाँ पर किसके पास आई हैं अभी? हम यहीं बैठे रहेंगे, क्यों नहीं सुनते? किस जगह बैठी हैं? कप्तान सर के ऑफिस में। इससे पहले भी कप्तान साहब से मिल चुकी हो? हाँ सर, मैं कम से कम 15-20 दरखास्त दे चुकी, मेरी नहीं सुनवाई होती है। लिख गया है मुकदमा मेरा। वहीं काफी देर बाद एसएसपी संतोष कुमार ने पीड़िता से मुलाकात की और उसकी परेशानी सुनने के बाद हर समस्या का समाधान का आश्वासन दिया। हालांकि पीड़िता ने एसएसपी से सुरक्षा की भी मांग की, फिलहाल एसएसपी मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इटावा से उवैस चौधरी की।